लेक्चर नंबर हमारा ट्वेंटी सेवन है और चैप्टर है हमारा फोर हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स देखिए कल हमने क्या पढ़ा था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिर हमने इन्हीं दोनों के साथ ही पढ़ा था रिटर्न टू तो स्केल ऐसे ही था और रिटर्न टू स्केल में हमने क्या पढ़ा था टोटल कॉस्ट जिसकी हेल्प से हमें क्या मिल सकता है एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है यू शेप ओके जी फिर हमने ये भी पढ़ा जो टोटल कॉस्ट होती है उसके दो हिस्से होते हैं वेरिएबल कॉस्ट और पिक्स फिक्स कॉस्ट और अगर इनका बिहेवियर हम देखें तो इनका बिहेवियर कैसे होगा ये कौन सा बिहेवियर होगा वेरिएबल वेरिये का क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो होगा प्रोडक्शन जीरो होगी तो वो भी जीरो होगी और ये और ये शाबाश अगर मैं इन्हीं कॉस्ट का एक दो तीन इन्हीं कॉस्ट का मैं एक और बिहेवियर निकालू कौन सा बिहेवियर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कोई बताएगा इसका बिहेवियर कैसे होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इसका बिहेवियर कैसे हो सकता है देखो हमने ये देखा कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो चेंज नहीं होनी अगर वो दस लाख है ये आपको नजर आ रहा है ये वाला कैमरे में आ रहे दस लाख ठीक है दस लाख है और अगर हजार यूनिट बने तो कितनी कॉस्ट आएगी एक हजार पर यूनिट ठीक है और अगर ये दस लाख ही हो क्योंकि ये चेंज नहीं होती है तो कितनी कॉस्ट अगर दस हजार यूनिट हो जाए तो तब कितनी कॉस्ट आएगी सो पर यूनिट इसका मतलब क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट अगर बढ़ते जाए तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है तो इसका बिहेवियर जो होता है वो कुछ ऐसे होता है कॉस्ट आउटपुट यहां से स्टार्ट होनी है सपोज करते हैं ये दस लाख ,00 है और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर ठीक है और एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर क्या है यही था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम बिहेवियर होता है वो भी शेप होती है समझ आ गई बात की शेप क्यों होती है क्योंकि जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो कम होगी फिर क्या होगी कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कोई क्वेश्चन यहां तक यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आज हम बात करते हैं एक न्यू कॉस्ट की जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट सपोज करते हैं हमने एक हजार यूनिट बनाया और इसकी टोटल कॉस्ट है दो लाख अब हमने एक हजार एक यूनिट बनाया और इसकी टोटल कॉस्ट हो गई दो लाख एक सौ ठीक है तो मार्जिन कॉस्ट कितना हुई चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया एक सौ हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए तो मार्जिन कॉस्ट कितना हुई हंड्रेड इसको हम एम सी कहेंगे कितना हो गई हंड्रेड ठीक है इसी तरह यूनिट है एक हज़ार तो कॉस्ट है दो लाख यूनिट हो गए दो हज़ार नहीं दो नहीं ग्यारह सौ और कॉस्ट हो गई दो लाख दस हज़ार अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी है नहीं, हमने क्या कहा है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्टिंग वन मोर यूनिट तो हम क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे दस हजार आगे यहां पे कितने यूनिट बने तो हमने एक यूनिट की बात किया ना तो क्या करेंगे दस हजार को डिवाइड कर देंगे हंड्रेड पे तो कितनी कॉस्ट हंड्रेड ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी समझ आ गई बात मार्जिनल yes, कॉस्ट को हॉकी कॉस्ट कर्व भी कहा कर जाता है या जे कॉस्ट कर्व भी कहते हैं इसको हॉकी भी कहते हैं सी के ई वाई या जे कर्व भी वालेकुम जी Jibi class me recording started. Okay, I love this. Is good note here. हो गया नोट आप मोबाइल से क्या कर रहे हैं अपनी तो नहीं सेल्फियां खींच लेते मैं कह रहा हूं अपनी तो नहीं सेल्फियां खींच लेते नहीं जी हम लोग थोड़ा सा बुक पे आते हैं और मैं ये चीजें आपको दिखाता हूं कि हमने कहां से की हैं ये वाला कल हमने शुरू किया था प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन ऐसे ही था और उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है आपको ये वाला जो लगा हुआ है ना ये करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी मत करो इसको ये वाला हमारा हो चुका उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्लीसिड एक्सप्लिसिट मैं करवाता हूं किसे कहते हैं इसको छोड़ दें भी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन हो चुका हमारा ये सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे अब पक्की बात है ना ठीक है इन फॉर्मूलाज में से क्वेश्चन नहीं आता अभी तक जितना करवाया इसमें से शायद एक नंबर का क्वेश्चन आए फिर उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास इसको मैं ऊपर से ही करवा देता हूं उधर बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में ये बनाना नहीं है आपने ठीक है पेपर में इसका कोई काम नहीं है सिर्फ मोटा मोटा यहीं पे समझाने के लिए सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट देखी जाए तो कितनी प्रोडक्शन है जीरो कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा लेकिन हमने ये चीज का अंदाजा लगा लिया कि अगर प्रोडक्शन जीरो भी होगी लेकिन फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही होगी तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो रही है दस रुपए वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं, नहीं करेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी टोटल कॉस्ट कितना होगी क्योंकि हम लोगों को पता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो दैट वुड बी अराउंड टेन हो गई बात आगे चलिए जी अब यूनिट पर इनको छोड़ दें अभी बारिश हो रही है लेवल है यार बाइक पे ही आना चाहिए नहीं लैपटॉप गीला हो जाना आप लोग बाइक पे आए हैं चिंचिंग पे आए हैं चलो कोई बात नहीं है। बड़े हो गए बाइक ले लेना ऐसे मौसम के लिए भागलपुर में है। था था। कौन सी बाइक है है चल सही है फिर आगे चलते हैं एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ जैसे ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो गई कितने रुपए नौ रुपए फिक्स कॉस्ट तो दस ही है भाई सब जितने मर्जी यूनिट प्रोड्यूस हो जाए वो दस 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 ही रहे हैं वो नहीं चेंज हो रहे जो फिक्स कॉस्ट वाले हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नाइन रुपीज आ गए तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी नाइनटीन दस जमा नौ नाइनटीन आगे क्या लिखा हुआ है एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है टोटल प्रोडक्शन तो भाई दस रुपए फिक्स कॉस्ट है टोटल प्रोडक्शन अभी तक हमने एक यूनिट किया तो वो दस की दस ही आ गई ऐसा ही है ओके उसके बाद एवरेज सॉरी और क्या था हाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कैसे आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन तो नाइन रुपीज इनकर हुए डिवाइडेड बाय वन करेंगे तो नाइन आ जाएंगे अब ये क्या है टोटल एवरेज कॉस्ट टोटल, टोटल, टोटल प्रोडक्शन तो तो आ जाएगा डिफरेंस लेंगे इन टोटल कॉस्ट का तो टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी दस अब कितनी है उन्नीस तो दस और उन्नीस का फर्क कितना हुआ नाइन तो ये आ गई ठीक है उसके बाद दो यूनिट प्रोड्यूस हुए तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई कम सत्रह हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट नहीं है तो सेवनटीन हो गई फिर ट्वेंटी फोर हो गई थर्टी हो गई थर्टी सेवन हो गई एंड चलते चलते जब हमने सबको उन पर डिवाइड करना शुरू किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आना शुरू हुआ अब इस इसकेजल को बनाना क्यों नहीं है मेरे नजदीक क्योंकि मैंने आपको बिहेवियर पहले ही सिखा दिया तो बिहेवियर क्या है यू शेप बिहेवियर है कैसे यू शेप है जरा देखते हैं एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट को देखते हैं एसी को पहले एसी कम हो रही है कहां तक कम हो रही है 9.1 तक कम हुई यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ये देखिए कैमरे में आ रहा है ये वाला ये बोर्ड तो नहीं आ रहा उसके आगे जहां पे मेरी उंगली है कैमरे में आ रही है ये वाली उंगली कैमरे में आ रही है बस ठीक है फिर तो इसका मतलब यहां तक कम हो रही है उसके बाद कांस्टेंट हुई कांस्टेंट हुई कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और उसके बाद इंक्रीज हो गई ऐसे ही है वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल भी कम हो रही है कहां तक कम हुई यहां तक ये यह बॉटम है उसका ठीक है ना ये और ये तकरीबन लगभग एक एक यूनिट के फर्क कोई ज्यादा फर्क नहीं है और उसके बाद फिर क्या हुआ इंक्रीज फिर 7.5, 7.7 और 8। ऐसा ही है लेकिन आपने एक बात नोट की एवरेज कॉस्ट ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है। ये उन्नीस है और वो वो नौ है ये तेरह शेर या पाँच है वाठ शर्या पाँच है ये इलेवन पॉइंट थ्री है वो एट है ये टेन है वो सेवन पॉइंट फाइव है इस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगी वो नीचे रखी हुई है ना ऐसा ही है ना आगे मार्जिनल कॉस्ट का कैसे बिहेवियर होता है मार्जिनल कॉस्ट शुरू में कम होती है कहाँ तक कम हो रही है छ यहाँ तक फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई और देखो एवरेज कॉस्ट से भी ज़्यादा बढ़ गई है यहां पे यहां पे यहां पे देखो बढ़ गई है ना एवरेज कॉस्ट भी ज्यादा यहां पे 10 है और यहां पे 9.3 है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो बहुत ही ज्यादा है ये देखो 7.5 और 8 9 7.7 पॉइंट टेन और 8 तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इसको माइंड में रखते हुए या वैसे ही अपना कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए ड्रॉ करूं तो देखिएगा ये कैसे ड्रॉ होगी आपने इस को याद नहीं रखना फिर बार बार मैं वही आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं ये आउटपुट है ये कौन सी कॉस्ट है ए सी अब तुम लोगों को ऐसे याद होनी चाहिए ठीक है ना ये कौन सी कॉस्ट है एवीसी सी ये कौन सी कॉस्ट है ए एफ सी और ये कौन सी कॉस्ट है एम सी ये कौन सी कॉस्ट है एम सी मार्जिन कॉस्ट करो ये हमेशा ऐसे ही बनेगी बात याद रखिए पक्की बात है कोई प्रॉब्लम परेशानी यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है दोबारा देखो सिर्फ मैं एम सी और ए सी का बिहेवियर बनाता हूं सिर्फ मैं किसका एम सी और ए सी का बिहेवियर बनाता हूं घर में इसको दस दफा प्रैक्टिस करनी है एम सी ए सी को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी एम सी ए सी को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वो ए सी का लोएस्ट पॉइंट होगा वो एसी का कौन सा पॉइंट होगा लोएस्ट पॉइंट होगा ये बात याद रखनी है हमेशा एमसीएसी को बॉटम से इंटरसेक्ट करेगी हमेशा समझ आ गई इसको नोट कर लें हो okay. गया तो बुक में कुछ इस स्टाइल की बनी हुई है हम इसको इग्नोर करेंगे हम सीधा स्ट्रेट लाइन को फोकस करेंगे टोटल बिहेवियर है इसमें से शायद एक क्वेश्चन आ, आ जाए या ना आए क्या यह डायग्राम की समझ आ रही है पक्की बात है एफ सी लगे हुआ एवीसी है एटीसी है, है और एमसी उसको नीचे से कर्व कर रहा है ठीक है क्या एमसी आपको हॉकी शेप नहीं लग रहा जे शेप नहीं लग रहा समझ आ गई ना बात की बस आपने ऐसे ही याद रखना है इसको बिहेवियर मेन याद रखने की क्या बात है कि एमसी हमेशा बॉटम से इंटरसेक्ट करेगा एसी को यह बात याद रखनी है आपने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा पेपर में उसके बाद जी मार्जिनल कॉस्ट की समझ आ गई पक्की बात है पक्की बात है अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्शन है कितनी करनी है हमने मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया प्रोडक्शन कहां तक करनी चाहिए हमें जहां पे MC, AC के इक्वल हो जहां पे एमसी एसी के इक्वल हो वो बिल्कुल एसी का बॉटम होता है वहीं तक प्रोड्यूस करना उसके अलावा प्रोड्यूस उसके अलावा प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो फायदा होने की बजाय नुकसान होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा ठीक है तो इस वजह से एमसी और ए का बिहेवियर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि अगर आप रियल में प्रोडक्शन कर रहे हो ये रियल में बड़े काम की चीज रियल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहां तक करनी है उसके बाद छोड़ देना कोई एतराज पक्की बात है चले आगे तुम लोगों को इसकी रियल में एप्लीकेशन दिखाऊं वैसे ये बच्चे काम में लोग भाई पूरा इंटरनेट छान मारना ये वाला लेक्चर तुम लोगों को मिल जाए तो मुझे कहना आके किसी को इसकी रियल एप्लीकेशन बहुत कम लोगों को पता है ये कहाँ पे यूज़ होता है ये जो बिहेवियर नहीं दिखाया आपको अभी मैं आपको ये बिहेवियर दिखाने लगाऊँ गोरों ने पता है क्या किया पाकिस्तानी यूनियन को किताबों में ले आए गोरों ने उठा के इनको मार्केट में रख दिया इसको वाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही नजर आए गोरों ने उठा के इसको किसमें रख दिया मार्केट में जहां से वो पैसा कमा पाए और हम लोगों ने किसमें रखा है इसको ए प्यारे बच्चों हम लोगों ने इनको किताबों में रख दिया किसमें रख दिया भाई बुक्स में और देखो गोरों ने कमाए इससे बेतहाशा पैसे क्या कमाए और हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने तबाहियाँ फेरी अब गौर से देखिएगा तुम तो लोगों को समझाने लगा ये देखो रेड लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है पॉइंट को जरा याद रखना यह इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है ये एक बिहेवियर है जो यहां से आइडेंटिफाई होता है मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा सिर्फ इतना सा बताऊंगा जैसे ही रेड लाइन ऑरेंज को नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करे तो मार्केट ऊपर जाती है आप चीज को खरीदो ऊपर जाके बेचो ठीक है और जैसे ही ये रेड लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा मार्केट नीचे चली जाएगी यहां पे इंटरसेक्शन हुई तो ये देखो ये ड्रॉप कर गई है ठीक है यहां पे इंटरसेक्शन होती है तो ये यहां से लेकर यहां तक मार्केट ऊपर गई है क्लियर हुई बात ये इसको कहते हैं इंडिकेटर्स और इसके ऊपर गोरो ने यहीं से बनाया था ये ये पहले नहीं होते थे यहीं से आए हुए हैं आप लोग मूविंग एवरेजेस पढ़े हो कभी पढ़ी है एफ में मैथमेटिक्स में मूविंग एवरेज कभी नहीं पढ़ी आई टू बी में आई कॉम आईकॉम में आप लोगों में से किसी की मैथ्स में क्या होती है मूविंग एवरेज yeah, ये मूविंग एवरेज गोरो ने कैलकुलेट की और इसका बिहेवियर ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जैसे ये कर्व्स है उन्होंने काफी कर्व्स बनाई इसके ऊपर ऐसी ही जो कि इसका प्रूफ देती हैं जैसे उन्होंने ये नहीं एक चीज बनाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जब मैं इसकी लाइन्स थोड़ी सी आप लोगों के लिए बड़ी कर दूँ अब देखिएगा इसको ऊपर की तरफ मैच कीजिएगा जैसे ही ये येलो लाइन ब्लू लाइन को कट करती है मार्केट ड्रॉप करती है ड्रॉप का मतलब शेयर प्राइस गिर जाएगी यहां पे जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है इसको बिल्कुल ऊपर देखिए मार्केट नीचे आ रही है येलो लाइन ने इंटरसेकट किया है किसको ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई और जब यहां पे इंटरसेक्शन करेगी कौन इंटरसेक्शन करेगी ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे से ऊपर की जानेब तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी यहाँ से यहाँ तक प्राइसेस ऊपर गई लेकिन फिर ब्लू लाइन और यह यह ये येलो लाइन ने उसको पकड़ लिया ये जो येलो लाइन है ये भी कॉस्ट बिहेवियर है इसे कहते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन इंडेक्स ठीक है तो ये भी ऐसे ही कॉस्ट पे बिहेवियर से डिजाइन किया गया था उससे पहले नहीं था ये आज से तीस साल पहले नहीं होते थे तीस पैंतीस साल पहले नहीं थे हमारे प्रोफेसर ने इन थ्यूरीज़ को बस बुक की हद तक रख के ख़त्म कर दिया इनके आगे कुछ नहीं किया इन गोरों ने भाई साहब ये चीज़ें बना के कमाल कर दिया मार्केट में अन्नी डाल दी समझ आई बात की चलें आगे चलते हैं इसको नहीं देते हैं भाई अगर अमीर होना ना तुम लोगों को बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों भी सुन लो और तुम लोग भी सुन लो एक साल के लिए इसमें पैसे डाल दो ये सूशी कॉइन है इतना जितने तरह दिल करे डाल दे यार मुझसे नहीं पूछना कहाँ से डलेंगे कैसे डलेंगे वो मैं ये कॉलेज की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है बड़ी लड़ाइयाँ की हुई हैं यार इसके ऊपर वो एक पुरानी जगह पे होता था वहाँ पे ख़त्म ही नहीं होते थे उनके मसाइल ये जो दरम्यान में ग्रीन लाइन है इनको इग्नोर करो तुम लोगों को मैं दिखाने क्या लगाऊँ ये तकरीबन ना साल डेढ़ साल में दो को माइंड में रखो दो को ये तकरीबन सत्ताईस पे जाएगा सताईस डॉलर पे जाएगा अभी कितने पे है नाइन्टी एट सेंट पे है कितने पे है नाइन्टी एट सेंट पे है इसको बात को लिख के रख लो 2024 में तुम लोग कैफ के आखिरया कर चुके होगे या तो कैफ क्वालिफाई करके आर्टिकल्स में जा रहे होगे या जाने वाले होगे तो मेरी बात को जरूर याद रखना ये सत्ताईस डॉलर पे जाएगा हो सकता है दो के एंड पे चला जाए सपोज करो तुम लोगों ने यहाँ पे सौ डॉलर डाल दिया तो सत्ताईस डॉलर बन जाएगा हाँ चौबीस पच्चीस सौ डॉलर बन जाएगा सौ डॉलर आपका सूशी है ठीक है अगर आपके अब्बा इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे कहते हैं एस आई पी एस आई पी कहते हैं किसी को किसे कहते हैं एस आई पी और नहीं यार एस आई पी स्ट्रेटेजी का नाम है अपने अब्बा को कहना ये एक कॉइन है ठीक है ये दुनिया की ब्लॉक है थर्ड न, थर्ड बिगेस्ट ब्लॉक है क्या होती है छोड़ दो को अगर आप हर महीने दस हजार रुपये सेव करते हैं ना तो छः हजार रुपये इसमें डालते जाएं डालते जाएं अगले पाँच साल के लिए छ हजार हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना है पाँच साल के लिए पोल का डॉट है ये थर्ड बिगेस्ट ब्लॉक है अराउंड द ग्लोब ठीक है और ये देखो ये कहां नीच से नीचे आया हुआ है ये फिफ्टी से नीचे आया हुआ है फिफ्टी फोर से नीचे आया हुआ और अभी सेवन डॉलरस पे है क्योंकि अभी बियर मार्केट है पूरी दुनिया के हालात बड़े नासाज हैं पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो लोगों ने पैसा निकाला हुआ है थोड़े से हालात स्टेबल होते हैं इसमें वापस तीस डॉलर पे चले जाना है तो पैसा तो आपका तीन गुना तभी हो जाएगा तो अबागो अब को दस हज़ार रुपये में से छः हज़ार अगर बचाते हैं तो छः हजार डालते रहे इसमें हर महीने छ हज़ार डालू पाँच साल बाद दुआएं दोगे मुझे अगर मैं जिंदा हुआ तो मर गया हुआ तो फिर भी दुआ दे देना शायद लग जा और मैं जन्नत में चला जाऊँ समझ आई बात की चलें बस ये को फ्री में इतनी टिप कोई भी नहीं देता यार मैं अपने टीचर के तरले किया करता था तब जाके कहीं वो पता नहीं छोटा सा काम देता था मुझे सिखाता था पर वो भी किसी ना काम का उन सर को मैं दुआ नहीं देता <laughs> क्योंकि मैंने बड़े तरले कर छोड़े थे यार सर सिखा दें कुछ सिखा दें कुछ सिखा दें पाकिस्तानी ने नहीं सिखाया एक कैनेडा का सिख है उसने सिखाया था मुझे कनाडा में होता से उसने सिखाया था मुझे ये शुरू में उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए फ्री में सिखा दिया था हमारे पाकिस्तानी ऐसे मरदूद हैं सिखाते ही कुछ नहीं है तो बड़ा अमीर आदमी था यार सर के पास होती थी पुराने मॉडल की खैबर टूटी हुई गाड़ी भाई साहब एक झटका लगा सर ने नई जी एल ले ली चले जी बात पैसों की नहीं है है चीज़ों को सिखाने की तो बता मैंने दिया पोलका डॉट है आपके पास छः हजार रुपया दस हज़ार जितनी आपकी पसली है उसमें से पचास परसेंट सेव कर लो बैंक में या साठ परसेंट इन्वेस्ट कर दो चालीस परसेंट सेव कर लो बाक़ी मर्जी आप लोगों की पाँच साल तक करते रहो ऐसे निकलवाना नहीं लालच बहुत बुरी चीज़ होती है मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा ये शायद यहीं पर दिखा दूँ मैं क्लास में खड़ा था और तब पोलका डॉट होता था पैंतीस डॉलर का तो मैंने कहा था ये पचपन पे जा रहा है चार दिन बाद पचपन पे चला गया था फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन है ना तो तब मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के पास था तो मैंने कहा सब बेच दो तो उसमें से एक मोहतरमा ने नहीं बेचा था उसने कहा था ये सौ डॉलर पर जाएगा तो बेचूँगी तो सही है उसका अपना एक विजन होगा तो अभी ये सेवन डॉलर पर है मैंने अपनी लाइफ में जब इसको फर्स्ट टाइम ख़रीदा था तो फोटीन डॉलर पर ख़रीदा था अभी तो ये मुफ्त में मिल रहा है तो पाँच साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी पांच साल बाद इसकी प्राइस कम अज कम सौ डॉलर होगी दो हजार पच्चीस में कम अज कम सौ डॉलर का कॉइन है ये क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है चले वापिस आते हैं आप लोगों को इतना कुछ बता दिया लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कॉन्सेप्ट जो एनवलप कर्व बनती है कल बता दिया था अब आते हैं यहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं जी भाई साहब बहुत आसान इकोनॉमीज ऑफ स्केल के होते हैं इतना ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा लिखा हुआ है ना ठीक है जैसे करवाऊँगा वैसे याद रखना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको घर जाके बस मेरी बातों को याद रख लिया करो काफ़ी होगा आपके लिए मिटा दूँ ना इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल का मतलब क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल का मतलब सिंपल सी बात याद रखो अगर हम बड़े पैमाने पे, पे कारोबार करते हैं कौन से पैमाने पे, पे बड़े पैमाने पे, पे? पे, पे तो हमें डिस्काउंट मिलेंगे एक बंदा रॉ मटेरियल वाले के पास गया उसे जाके कहता है भाई साहब दस किलो रॉ मटीरियल दे दो रॉ मेटीरियल का रेट होता है सौ रुपया तो उसको कितने का देगा सौ रुपए की क्योंकि दस किलो कितना सा होता है उसकी जगह पे मैं चला गया मैंने कहा कि मुझे ना दस हजार किलो दे दो डिस्काउंट किसको देगा उसे या मुझे मुझे मिलेगा सस्ता मटेरियल किसे मिला उसे या मुझे मुझे मिला इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल बात क्या याद रखनी है अगर हम बड़े पैमाने पर पे कारोबार करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे डिस्काउंट और उन डिस्काउंट्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाएगा तो इसका मतलब पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है परचेजिंग क्या होता है भाई परचेजिंग मतलब अगर बल्क में खरीदोगे बल्क बाइंग करोगे तो क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा जिसकी वजह से क्या होगा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी कम कम ठीक है नंबर टू टेक्निकल इकोनोमीज ये टेक्निकल क्या होगा अगर बड़े पैमाने पे, पे काम होगा तो आप लेटेस्ट मशीन को खरीद पाओगे इंपोर्ट कर पाओगे तो लेटेस्ट मशीन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी भाई फिर उसके बाद है जी लेबर स्पेशलाइजेशन ये क्या चीज होगी भाई अगर आप बड़े पैमाने पे, पे काम कर रहे हो इसका मतलब आप अपनी लेबर को टेक्निकल स्किल सिखा सकते हो सिखा सकते हो पैसे दे लगा सकते हो ना भाई उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हो ना बाहर से इंजीनियर मंगवा के क्योंकि आपका कारोबार बड़ा है पैसे ज्यादा आपके पास कर सकते हो ना तो जब लेबर को टेक्निकल स्किल मिलेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी वो वेस्टेज कम करेगा क्योंकि वो कारीगर अच्छा बन गया तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी की कम हो जाएगी फिर उसके बाद है फाइनेंशियल फाइनेंशियल इकोनॉमीज अब ये क्या होते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज अगर आप बैंक के पास जाओ और बैंक से जाके दस लाख रुपए का लोन लो और मैं बैंक गया मैंने जाके पचास करोड़ का लोन फाइल कर दिया किसको लोन मिल जाएगा okay. मुझे भी मिल जाएगा आपको भी मिल जाएगा ठीक है प्रॉपर्टी रखवाएगा गिरवी तो ले देगा लोन नहीं गल थोड़ी ना कर रहे रहा तो बैंक पढ़ा नहीं देना रहा तो आके क्या मैं लोन चाहिए अपनी वन टू फाइव लेके आन टू फाइव होगी डेढ़ लाख की उसने तुझे दस हजार का लोन देना लोन वो एजुकेशन पे मिलता है ना यार तो तुमने एजुकेशन थोड़ी ना ले सिगरेट तो पी के खत्म कर सिगरेट नहीं।, नहीं पीता क्या खाता है लेज क्या स्ट्रिंग पीता है घर कैसे फिर मोटा कैसे हो गए क्या मदेसी घी वाले पाठे पका ना खाया ना यार कम खाया घर कहा से आया हुआ है भावलपुर से चल कोई बात नहीं है जमीन अब्बा की नहीं तो अब्बा क्या करते हैं बैंक मैनेजर है तो फिर देसी घी लोग गिफ्ट दे जाते हैं है, अच्छा अच्छा सही हो गया मक्खन खाया तो गया देसी घी कम खाया गया क्योंकि देसी घी के बाद अगर आप जिम नहीं करोगे वॉक नहीं करोगे तो ये नहीं निकलता बॉडी में से तो पुराने वक्तों में लोग खा कर ना खेतों में काम कर लिया करते थे तो फिट रहते थे बल्कि फिट क्या बहुत ही फिट रहते थे आज के दौर में अगर आप देसी घी ऐसी कोई भी चीज़ खा के काम ना करोगे स्टूडेंट स्पेशली तो फिर रात को जॉगिंग किया अगर तेज़ जॉगिंग किया अगर सही फुल तेज़ बेशक पाँच मिनट की कर तो एक दफ़ा स्वेटनिंग हो तेरी हार्ट बीट हार्ट रेट चला जाए 120 40 के ऊपर बस काफ़ी है इतना फिर तो सिट रहेगा अदरवाइज ज़रा जो अस्थमा है ना वो ज़्यादा होता जाएगा अस्थमा है ना तुझे ज़्यादा होता जाएगा मुझे भी सेम मसला था ना चलिए जी फाइनेंशियल इकोनोमीज में हम क्या करेंगे अगर मैं लोन लेता हूं लेकिन बड़ी अमाउंट का लोन लेता हूं तो देखो बैंक हमेशा क्या करते हैं जो छोटी अमाउंट के लोन होते हैं ना उनपे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं और अगर बिगर अमाउंट का लोन है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा कम क्योंकि भाई बैंक की पक्की रोटियां लगी ना पचास करोड़ का लोन है उसके ऊपर मुझे दस परसेंट के हिसाब से चार्ज करे और दस साल का लोन हो तो दस साल तक उसकी महाना रोटियां लग गई और आपका दस लाख का लोन होगा तो कम अज कम भी वो बाईस परसेंट चार्ज करेगा रियल में बता रहा हूं तो इसका मतलब सस्ता लोन किसे मिला मुझे तो मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी भाई साहब कम तो मेरी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी क्या हो गई कम हो गई फिर उसके बाद आता जी मैनिजेरियल इकोनॉमीज अब ये क्या होती हैं देखो जो बड़े पैमाने पे, पे लोग काम करते हैं ना वो स्किल्ड एग्जीक्यूटिव्स हायर करते हैं या स्किल्ड मैनेजर्स हायर कर सकते हैं जो स्किल्ड मैनेजर्स होते हैं एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं वो कम सैलरी लेते हैं ज्यादा सैलरी लेते हैं लेकिन ज्यादा सैलरी लेंगे तो बिजनेस भी तो ज्यादा ला देंगे ना ऐसा ही होगा ना तो जब मैनेजेरियल इकोनॉमीज हमें यह बताती है कि जो बड़े पैमाने पे, पे कारोबार करोगे तो आपको मैनेजर एक्सपेंसिव रखना पड़ेंगे आप अफोर्ड कर सकते हो जिससे क्या होगा आपका बिजनेस ग्रोथ ज्यादा करता है बिजनेस ग्रोथ ज्यादा होती है क्या छोटे बिजनेसिस अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसिव मैनेजर्स को नहीं ना अफोर्ड कर सकते क्यों जैसे आप जिन भी एफ वाले कॉलेजेस में पढ़े हुए हो वहां पर टीचर की मैक्सिमम कितनी सैलरी होती होगी मैक्सिमम यही हो बड़े एक्सपीरियंस के बाद ऐसा ही है ना लेकिन जो न्यूली रिक्रूट करते हैं पच्चीस हज़ार तक हाँ जो नया कोई यंग बॉय हो चालीस हजार तक महंगाई बहुत हो गई चालीस हज़ार तक कुछ भी नहीं है यार मोर देन फिफ्टी 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 फाइव सिक्सटी तक कर लो ऐसा ही है ठीक है सी ए कॉलेज में किसी को, को वो मानेगा ही नहीं कि साठ हजार मेरी सैलरी हो अगर हो तो बस दो लेक्चर देने हैं मैंने और वो कितने लेक्चर देते हैं वे, वे, वे। तो फर्क आ गया ना अगर कोई सीए कॉलेज में जहां पे आ, जैसे आप पढ़े हो यहां पे अगर यहां पे किसी की साठ होगी वो सिर्फ एक लेक्चर देगा या बड़ा भी कोई एहसान करेगा कॉलेज पे दो दे के बस भाई साहब दो लेक्चर हैं एक एक घंटे का दो घंटे हो गए बस मैंने दो घंटे रोज आना है। इसके अलावा नहीं मैंने पढ़ाना समझ आई ना बात की और अगर सीए को भी छोड़ के आप इंटरनेशनल स्कूल चले जाओ जैसे एलजीएस वगैरह हैं वहाँ पे कितना होता है भला पता है वहाँ पे अगर आप ए लेवल को पढ़ा रहे हो सिर्फ 45 मिनट आपने पढ़ाना है और हफ्ते महीने में आपके 12 लेक्चर होंगे और आपको मिलेगा सत्तर हज़ार रुपया पैंतालीस मिनट पढ़ाना है बारह लेक्चर देने हैं सेवेंटी वो सबसे लोकरेटिव है पाकिस्तान में यार वहाँ पर बड़ा मुश्किल है यार मैं बड़े अरसे से ट्राई कर रहा हूँ एल जी एस में वहाँ पर सबसे है कि आपकी एज फोटी होनी चाहिए डी डी सी मतलब ओ नहीं यार इधर नहीं सिर्फ एल जी एस नहीं तो कहीं नहीं <laughs> हाँ यार वहाँ पे बड़ा मसला बन जाता है बहुत इशू बन जाता है मैंने मुझे अच्छे से याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे सीवी दी काफ़ी मेरे साथ पुरानी बात है वहाँ पे हरासमेंट के पांच केस निकल है ठीक है जिसमें टीचर इन्वॉल्व थे मिल टीचर उन्होंने सारे मिल टीचर की इंडक्शन बंद कर दी उन्हें कोई मेल नहीं रखना है रखना है कहते बाबा रखना है पंजा साल तक वाकई में दोबारा फिर वहाँ पे एक वैकेंसी आई मैंने फिर सीवी दी फिर एक टीचर के ऊपर मसला बन गया उसको भी उन्होंने निकाल दिया और फिर वहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया ये बड़ा इशू आता है ऐसी जगहों पर बहरहाल नसीब की भी बात होती है आगे चलते हैं जी तो यहाँ पर जितना एक दो तीन चार पाँच मैंने लिखवाए तो पाँच में अगर देखें तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सबसे पहले है स्पेशलाइजेशन इन लेबर तो स्पेशलाइजेशन इन लेबर का क्या मतलब हुआ वही जो मैंने बता दिया आपको बस आपने उतना ही याद रखना है इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं याद रखनी है फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ये क्या हुआ भाई वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आना फिर उसके बाद एक बाइंग इन बल्क वही परचेजिंग करोगे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा फिर उसके बाद लिखा होगा कैप कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल इकोनॉमीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं फाइनेंशियल कि आप बैंक के पास जाओ लोन लेके आओ लोन लेके आके भाई साहब यहां पर पुट कर दो तो उसे क्या कहेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्लियर हुई बात फिर उसके बाद है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस मैंने नहीं लिखवाया मैंने उसकी जगह मैनेजेरियल लिखवा दिया रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर एक छोटी सी फैक्ट्री है वहां पे कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो बाहर से बंदे को फोन करके बुलाएंगे ठीक है महीने में दस दफ़ा ख़राब होती है तो दस दफ़ा फ़ोन करके बुलाओगे बंदा दस दफ़ा पैसे चार्ज करेगा ऐसा ही है एक फैक्ट्री बहुत बड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा मशीनज हैं तो वो ऐसे बंदों को बुलाएंगे या वो बंदे ही हायर करके अपने पास मजदूर वो रख लेंगे सैलरी पे सैलरी पे जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन है फुल टाइम के ऊपर है वो हायर्ड है यहाँ पे कोई ए खराब हो लाइटें खराब हों कुछ खराब हो उनकी फिक्स सैलरी है उन्होंने सही कर देना तो ये सस्ता पड़ जाता है तो इसका मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ये मतलब है कि जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं वो लोगों को ऐसे लोगों को क्या कर लेते हैं हायर कर लेते हैं क्लियर हो गई बात आगे जी स्टार्टअप कॉस्ट हमने नहीं करना कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है जो छोटी कंपनी होती हैं वो यूट्यूबर को हायर करके अपनी करवा सकती हैं एडवर्टीजमेंट वो नहीं यार बड़े पैसे हायर करते हैं यूट्यूबर भाई यूट्यूबर कितने आपके ख्याल से ये डकी लोग जो हैं डकी लोग को देखते हो ना तुम किसको देखते है चल फिर तो अच्छी बात है वैसे आप लोग किस यूट्यूबर को देखते हो कैरी मिनटी को देखते हो अच्छा सारे दांत सबके निकल आते हैं नाम सुन के देखते किसी को नहीं हो कैरी का पता है हाजी कैरी मराठी रहमत नहीं पता किस कोई यूट्यूबर तो होगा जिंदगी में यार हाँ मुझे नहीं उसका पता क्या करता है वो लिटिल लिटिल बिग शॉर्ट्स क्या करता क्या है वो अच्छा कॉमेडियन है ठीक है वो अगर वो तो चलो गोरा होगा ना ज़्यादा महंगा होगा यहाँ पे बात कर लो उसको तो देखते होगे ना यार क्या नाम है उस लड़के का जुल्कुल नैन टिक टॉकर है अगर उसको आपने कहना कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है ये मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे आके सिर्फ तुमने ना एक छोटी सी अभी तीस सेकंड की वीडियो बनानी है कितने पैसे लेता होगा हाँ तो कम अज तो कम पाँच से छ लाख रुपया कम अज कम पाँच से छ लाख रुपया लेता है तीस सेकेंड का तो छोट हाँ हाँ तीस सेकेंड की टिकटॉक की रील होती है और कितने की होती है वो एक ऐसे पोला रिकॉर्ड भी ऐसे ही करता है पिज्जे खाता है जाके दुकानों पे और वो भी ऐसे ही करता है लाख लाख रुपया लेता है स्टार्स तो फिर यार लेवल ही हो रहा है ना जो ड्रामे वाले लोग हैं वो तो तीस तीस लाख चालीस चालीस लाख रुपया लेते हैं मेरा कजन है प्रॉपर मॉडल है वो वो एक क्लिक का ऐसे क्लिक करोगे ना पांच हजार लेता है ठीक है उसको टी शर्ट पर ना के एक क्लिक करो पांच हजार दस टी शर्ट्स हैं तो पचास हजार अब उसका रेट बढ़ गया होगा पुराने रेट की बात है काफी अरसा हो गया मुझसे मिला नहीं ठीक है एक मेरा स्टूडेंट है वो वो इसका ब्रेकआउट का नाम सुने ब्रेकआउट और आइडियाज उसका एम्बेसडर है वो लेता है तकरीबन डेढ़ लाख एक कैंपेन का अभी उसकी नई कैंपेन आइडियाज की लॉन्च हुई है यमुना जैदी के साथ ये वो पीछे खड़ा था उसके ऐसे आगे के किस बाल है मोइज अली खान नाम है उसका रेस्टोरेंट रहा हो गए का वो लेता है डेढ़ लाख रुपया एक कैंपेन का तो भाई साहब उनको तो पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं है सही है ना तो एक कैंपेन में कितना टाइम लगता है तीन घंटे लगते हैं बस खाना भी वो देते हैं पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं उनसे कपड़े मांग लो कपड़े भी दे देंगे जो कपड़े पहने हो ना उसको कह दो मैं लेके जा रहा हूं नहीं उतरवाते आपसे अब मेरे कजन को वो नाम सुने है? आपने खबरनाक खबरनाक में बुलाया था उल्टा पचास हजार उसको दिए थे जेब से खबरनाक वालों ने कह तुम आओ और बैठो आगे सिर्फ तो भाई ये मीडिया और चीज है तो क्या वहां पे हम छोटे बिजनेसमैन ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं ना लेकिन अगर बड़ा कारोबार है तो, तो कर सकते हैं मैं तो रिसेंट वालों को भी कहा था यहाँ पे जुलकर नैन और उसकी जो वाइफ है उनको कहें सी ए करना है तो यहाँ पे एक वीडियो बनाए छोटी सी और यकीन करो बड़ी चलेगी भाई ऐसे कॉलेज को ना पता नहीं है एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं कसम से ठीक है ना तो वो क्या कर रहे हैं बैग लेके आ रहे हैं वो पहले जा रहा है इंजीनियरिंग साइड पे वहां से उसको धोखा लग गया फिर वो एम डी कैट में गया वहाँ से रिजेक्ट हो गया ऐसे ही छोटा सा क्लिप बनाना है एक मिनट का फिर वो अल्टीमेटली सी ए में आने का सोचा और वो क्रीफ्रंट में आ गया बस ये उसने वीडियो बनानी है अल्लाह अल्लाह खैर साल देखो ना उसकी व्यूअरशिप कितनी है उसके फॉलोअर कितने हैं मिलियन नहीं नहीं ज़्यादा होंगे यार वो फाइव, फाइव, फाइव मिलियन पचास लाख उसके फॉलोअर हैं उसमें से सारे लड़के ही होने हैं कौन से के बाबे होने हैं ठीक है ना लड़के ही होने जिनको गाड़ियों शाड़ियों कैसे काम होगा का शौक है और वो गांव वाले लोग ज्यादा हैं गांव साइड से लोग ज्यादा हैं जो पेरिफेरल एरियाज है ना वहां के लोग ज्यादा हैं तो देख लो वो क्या करेंगे वो एडमिशन ही देंगे क्या उनमें से एफ एस सी वाले कितने होंगे कम अज कम एक लाख उनमें से एफ एस सी वाला होना है देखो तुम लोगों को मार्केटिंग थोड़ी सी बता रहा हूँ अब एक लाख वीडियो देखी एफ एस सी वाले ने ठीक है ऑल अराउंड पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा फिर उसने बाद वो उसमें से अगर एक लाख में से सिर्फ एक हजार भी इंप्रेस हो गया एक लाख का एक हजार कितने परसेंट बनता है भला एक परसेंट तो एक हजार स्टूडेंट कम होता है लगा कितना पैसा चार पांच लाख और एक हजार स्टूडेंट का एडमिशन आ गया समझ आ गई बात की तो ये सिर्फ बड़े लोग हायर कर सकेंगे इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन वालों बस आज इतना ही था अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज करने में क्या गेमिक।